नमस्कार विद्यार्थियों, कवि धूमिल की मोजीराम कविता का अध्ययन हम कर रहे थे। उनकी कविता के जो अंश हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उनकी हम व्याख्या कर रहे थे, उनके अर्थ को समझने की हमने कोशिश की। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टाकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। प्रस्तुत अंश धूमिल की मोचीराम कविता से लिया गया है। मोचीराम कविता के माध्यम से धूमिल ने मनुष्य की विवशता, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके आर्थिक स्तर, समाज में उसकी स्थिति का प्रतीकात्मक शैली में चित्रण किया है। ऐसा लगता है जैसे धूमिल ने बहुत नजदीक से मनुष्य की विवशता को देखा, आंका और मोचीराम कविता के माध्यम से उसे अभिव्यक्ति दी। मोचीराम जूते पर टांके लगा रहा था, अपने काम में व्यस्त था और उसी समय ही कवि उसके सामने आकर खड़ा होता है। कवि का और मोची का जो वार्तालाप है उसी का इसमें चित्रण किया गया है। मोची कहता है, कि बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हैं, कि जो फटा हुआ जूता लेकर के उसके पास खड़ा हुआ है, उसे वो कहता है कि बाबूजी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो जूता इतना फटा है तो इस पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है। मोचीराम एक बार तो इस बात को कह देता है, लेकिन जैसे ही वो कहता है वैसे ही मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। उसको लगता है कि ये कहकर उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लग गई। कहते कहते वह रुक गया। कुछ और एक मन है जो कुछ और ही कहना चाह रहा है, कुछ और सोचता है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो। वो कहते हैं कि फिर मेरे भीतर से एक और दूसरी आवाज़ आती है और वो मुझे ये कहने से रोकती भी है और ये कहती है कि तुम अपनी जाति पर थूकते हो। यह कहकर के मोचीराम को लगता है कि जो फटे जूते को सिला रहा है वह तो मेरी ही तरह विवश है और वो उसकी उस विवशता को, उसकी गरीबी को महसूस करता है। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टांकता हूं। कवि से कहता है कि बाबूजी आप मेरी इस बात पर यकीन करें कि फिर जब मैं ये सोच करके कि यह तो एक विवश आदमी है जो अपने फटे जूते सही कराने आया है, फिर जो मेरे अंदर एक और मन है वो जब उसकी इस विवशता को जानता है तो उसके बाद मैं, ऐसा लगता है कि उस जूते पर चकतियाँ नहीं लगाता बल्कि आँखें ही टाकता हूँ, अर्थात मेरी आँखों में उसके जीवन की विवशता उभर आती है और एक टक मैं उसी को ही देखता रहता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ और बड़ी ही मुश्किल से मैं अपनी तरह ही गरीब, अपनी तरह ही पेशे में पड़े हुए उस आदमी के साथ निभा पाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मुझ पर बीत रही है वो ही उस पर भी बीतती है।
धूमिल ने व्यक्ति की मानसिक स्थिति का चित्रण किया है। मोचीराम गरीब है लेकिन वह एक सहानुभूति रखने वाला इंसान है। इसके माध्यम से वो यह भी बताना चाहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति होता है उसमें सहानुभूति की भावना अवश्य होती है। वह दूसरे की विवशता को देख करके उसके प्रति दया, सहानुभूति और मानवता की भावना अपने अंदर रखता है। सरल भाषा है लेकिन व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। शब्द सरल लिए गए हैं लेकिन अर्थ इसका बड़ा ही गूढ़ है। अब हम अगले पद पर आते हैं, अगले अवतरण को पढ़ते हैं। एक जूता और है जिससे पैर को नांद कर एक आदमी निकलता है सैर को। न वह अकलमंद है, न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे कहीं जाना नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हिया ठोको, वहाँ पीटो, गिशा दो, ऐशा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। नांद कर का मतलब होता है बांधना, ऐना अर्थ होता है शीशा, चमकदार दर्पण। धूमिल की मोचीराम कविता से यह लिया गया है और इसमें धूमिल ने समाज के एक दूसरा जो तबका है, धनी वर्ग है, धनाढ्य वर्ग है, अमीर वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उसकी मानसिकता को इसमें दर्शाया गया है। अभी तक एक वो जूता था जो गरीब है, जो उस मोचीराम की तरह ही है जिसके प्रति मोचीराम सहानुभूति रखता है। अब एक दूसरा भी जूता है जो अमीर वर्ग का है। मोचीराम कहता है कि जूता तो सभी पहनते हैं, अमीर भी पहनेगा और गरीब भी पहनेगा, किंतु दोनों के जूते पहनने का जो ढंग है वह अलग अलग है। अब मोचीराम, धनी लोग जो जूते पहनते हैं उनकी जो मानसिकता है उसका चित्रण करता है कि एक जूता और है जिसके पैर को नांद कर एक आदमी निकलता है सैर, कि एक और धनी वर्ग का जूता है जो अपने पैरों में जूता पहनता है। और उन्हें बांध करके वो बाहर निकलता है। और वो जो आदमी जूता पहनकर बाहर निकल रहा है उसके पैर उसके जूते से बाहर दिखाई दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि उसके जूते फटे, अर्थात उसमें घमंड है, घमंड है, और वह अपने घमंड को लेकर के निकलता है। वह सैर कर रहा है, न वह अकलमंद है, न वक्त का पाबंद है, वो ज़्यादा बुद्धिमान भी नहीं है और न ही वो कोई समय का पाबंद भी है, जबकि हाथ में घड़ी है उसके, घड़ी भी पहन रखी है, उसे कहीं जाना नहीं है, उसको कहीं जाना भी नहीं है, अर्थात उसे ऐसा कोई काम भी नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है, लेकिन अपने चेहरे से वो ऐसा दिखाता है जैसे उसके पास में कोई समय ही नहीं है। संसार का सबसे व्यस्त आदमी वही है। वह कोई बनिया है या बिसाती है मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है। वह जब कभी जब वह उसको देखते हैं तो वह बनिया नजर आता है जो पाई पाई का हिसाब रखता है, या फिर वो कोई बिसाती दुकानदार नजर आता है, मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है। लेकिन
ऐसे तो पाई पाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अपना रॉब ऐसा दिखाएगा कि जैसे वो हिटलर का ही वंशज हो। और वह बड़े ही अहंकार के साथ में बोलता है, मेरे जूते को कि इसे बांधो, ऐसे बांधो, उधर से काटो, इसे ठोको, वहाँ पीटो, मतलब पूरा वो उसे बताता हुआ चलता है कि ऐसे करो, पॉलिश भी करनी है तो उसको ऐसी ऐसी पॉलिश करो, जूता बिल्कुल चमके। वो अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहता है। उसकी जो भाषा है वो हिटलर जैसी है, जैसे वही सब कुछ है। इसमें धूमिल ये कहना चाहते हैं कि एक गरीब आदमी है जिसके प्रति आप कैसा भी व्यवहार कर दें, वह झुका ही रहता है। मोचीराम उसके जूते को किसी प्रकार से सही कर दे, वो चुपचाप खड़ा रहता है और उसे पहनकर चला जाता है। और एक अमीर आदमी है जो अपने आप को ही सब कुछ समझता है, और चीज़ की तो बात ही क्या, एक जूते ठीक करवाने में भी वो ऐसा लगता है जैसे उसने मोचीराम को खरीद लिया हो। बड़ी ही संकुचित मानसिकता है उसकी, और वह जो दलित वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उसके प्रति घृणा का भाव वो रखता है। संवेदना की भावना उसमें नहीं है, मानवता की भावना उसमें नहीं है। इस प्रकार मोचीराम कविता के माध्यम से वह दोनों ही वर्गों के व्यक्तियों की मानसिकता को परिलक्षित करते हैं। धन्यवाद।